यश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमावृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमावृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविध्यायन् नचिकेतो तिस्राक्षीः नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः भाष्य को रिपीट कीजिएगा। दूसरे श्लोक का सत् यदि उभे अपि कर्तुं स्वायते यदि उभे अपि कर्तुं स्वायते पुरुषेण किमर्थ प्रेय एव वादते बाहुल्येन लोक इति उच्यते सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे सति मन्दबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे सति व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यं पुरुषमता इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च अतो हंस इव अम्भसः अतो हंस इवाम्भसः पयस्तौ श्रेय प्रेय पदार्थौ संपरीत्य सम्यक् परिगम्य मनसा आलोच्य गुरुलाघवं विनिनक्ति पृथक् करोति धीरो धीमान् विविच्य च श्रेयो हि श्रेयः एवाभिव्रणीते
श्रेयसोऽभ्यर्हितत्तत्त्वान् कोऽसौ धीरः यः तु मन्द अल्पबुद्धिः सा विवेका सामर्थ्यात् योगक्षेमात् योग सह विवेका सामर्थ्यात् योगक्षेमात् योगक्षेमनिमित्तम् शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम् इति एतत् प्रेयः पशु पशुपुत्रादि लक्षणं वृणीते सो पहले श्लोक में श्रुति दोनों मार्गों के फलों को बताती है। उभे नानार्थे पुरुषगम सिनीतः, दोनों ही पुरुष को बंधन में बांधने वाले हैं। कल मैंने आपको ये पंक्ति बोली थी, संभवतः इस पर मनन होना चाहिए। चित्त में प्रयोजन के उठने पर व्यक्ति कर्तव्य से बंध जाता है, चाहे वह श्रेय होवे चाहे वह प्रेय होवे। यदि चित्त में किसी भी प्रकार का प्रयोजन होगा तो उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन वो अवश्य करेगा, और उन कर्तव्यों के निर्वहन से वो क्या हो गया, बंध गया। इसलिए श्रुति कहती है चाहे श्रेय होवे और चाहे प्रेय होवे, चाहे श्रेय होवे चाहे प्रेय होवे, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। कल मैंने जैसे कहा कि अगर आपको गंगा स्नान करने जाना है और ये पुण्य का कार्य है, इसके बावजूद भी आपको कर्तव्य के बंधन से क्या हो गया, आप बन गए। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एक ऐसा कर्तव्य है, एक ऐसा बंधन है, जो परिणति उसकी होती है वह बंधन से मुक्ति करा देती है। मतलब एक ऐसा बंधन है जो बंधन तो शुरुआत में दिखाई देता है, लेकिन आखिरी जो फलश्रुति है, जो परिणति है, वो बंधन से आजादी में है। जैसे कि ध्यान एक बंधन है, तो सबसे जो ऊंची सीढ़ी है कि ध्यान के लिए फिर व्यक्ति के 24 घंटे का आचरण ऐसा होए कि जब वह आसन पर बैठे तो उसको अपने किए गए पूर्व व्यवहार की स्मृति ना आवे, इतनी अपेक्षा की जाती। कभी कभी इसीलिए लगता है कि जो ध्यानाभ्यासी साधक है वो वन की ओर और निवृत्ति परायण रहता है। जिस चित्त में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति का बोझ होए, प्रवृत्ति का बोझ मतलब व्यवहार का बोझ होवे, तो चित्त में व्यवहार का जिसके चित्त पर बोझ होवे, जब भी वह ध्यान में बैठेगा तो ध्यान में अपने व्यवहार को याद जरूर करेगा। क्योंकि व्यवहार ऐसा है ही है कि कुछ न कुछ चित्त में आएगा। तो आप देखो, ध्यान के लिए साधक को कहा गया कि निवृत्ति में जाए, वन में जाए, आश्रम में जाए, एकांत में रहे। अच्छा, ये सब क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। कम खाए जिससे बैठ सके, शरीर में लचक होवे
जिससे सीधा बैठ सके, अभ्यास हो गई जिससे ज्यादा देर तक बैठ सके, एकाग्रता की वृत्ति हो गई वो भी जरूर चाहिए। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद वो क्या कर सकता है? ध्यान। मैं तो ध्यान को भी छोड़ के कहता हूं जप को ले ले। 108 जो मन के हैं, मुझे नहीं लगता कि 8 और 10 के बाद वही स्थिति बनी रहती है जो शुरुआत से प्रारंभ होती है। 10वें 12वें और 20वें मन के जपने के बाद वो चित्त फिर से भगा, और जब तक मैं वो संख्या पूरी होती 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 तब तक तो माला क्या हो गई? पूरी हो गई। ये चैलेंज है, पता नहीं आप कभी इसको करते हैं, इस चैलेंज को पूरा कीजिए कभी, कि जो 108 मन के हैं, जैसी पहली वृत्ति है जैसी दूसरी वृत्ति है दूसरे मन के पर, ऐसी ही वृत्ति आखिरी तक बनी रहे, करके देखिए आज। जब हम एक माला में स्थिरता और एकाग्रता का इतना अभाव है तो ध्यान और समाधि की स्थिति में कैसे पहुंचेंगे? अब सोचो आप कितना कठिन है और कितना सरल है, यहां तक कि जप की साधना भी अत्यंत कठिन है अगर वो कोई सीरियस करे तो। तो विषय अंतर हो जाएगा साधन में। एक होता है गिनती गिनना, तो गिनती गिनने में कुछ नहीं है, फिर तो चित्त कहता है हमने 2 माला कर ली, 3 माला कर ली, 4 माला कर ली। लेकिन जिस चित्त में प्रयोजन संख्या ना होकर नाम ना हो, वो नाम ना होकर वो नाम ही है, जिसका मैं जप कर रहा था, क्या उसकी वृत्ति चित्त में उदय हुई? उस नामी से मैं जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो फिर ऐसे जप करने वाले को थोड़ा मेहनत, अभ्यास, एकाग्र, नैराश्य, ये सब वृत्तियां आती। इसलिए मैं कह रहा था चाहे श्रेय होवे चाहे प्रेय होवे, दोनों ही मनुष्य को क्या करती हैं? बांध देती हैं। किससे? कर्तव्य से। पुरुषगम सिनीतः, लेकिन एक जो बंधन है तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, जो एक बंधन है वो व्यक्ति को हाँ शोभन शिवत्व प्रदान करती है, शिव मतलब कल्याण। एक बंधन में रहना वह बंधन आजादी के लिए सीढ़ी है, आजादी के लिए गुरु के अनुशासन में रहना, माता पिता के अनुशासन में रहना, वो नेक्स्ट आजादी के लिए क्या है? सीढ़ी है। तो मेरे ख्याल है ये पहली बात अच्छे से दिमाग में आपके आई होगी। दूसरा, भगवान भाष्यकर कहते हैं ते यद्यपि एकैक पुरुष संबनी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे है। मिल गया 38 पर दूसरी पंक्ति। एक पुरुष के जरिए से एक समय में एक का ही अनुष्ठान किया जा सकता है, ये भी मनन्य पंक्ति है। एक पुरुष के द्वारा एक ही समय में एक का ही अनुष्ठान हो सकता है। कोई पुरुष यह सोचे कि आधा श्रेय कर लूं आधा प्रेय कर लूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए कल शास्त्रीय भाषा में कह रहा था इसका सह समुच्चय नहीं हो सकता, दोनों का अनुष्ठान एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में क्रम समुच्चय है। क्रम समुच्चय मतलब
पहले आप प्रे कर लें उसके बाद आप श्रेय कर लें, तो ये तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बोले सहसमुच्चय, तो बोलते हैं विद्या अविद्या रूपत्वात्, जो एक तो विद्या है तो श्रेय तो विद्या है और प्रेय क्या है अविद्या है, और दोनों का संग कभी एक साथ हो नहीं सकता। मतलब या तो चित्त में विद्या रहेगी या तो चित्त में, कल मैं दृष्टांत दे रहा था तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो हो, यदि चित्त में रहेगा तो अंधकार रहेगा नहीं तो चित्त में प्रकाश रहेगा। बोले कि अंधकार भी रहे और प्रकाश भी रहे, ये संभव नहीं हो सकता। हसब ठठाई फुलाऊ बुगालू, मैं गमन भी करूं और मैं स्थिर भी रहूं, तो ये तो नहीं हो सकता। या तो गमन होगा या तो स्थिरता होगी, या तो चित्त में विद्या होगी या तो चित्त में अविद्या होगी, दोनों एक साथ चित्त में नहीं रह सकते। इसलिए श्रेय और प्रेय दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इतः अन्यतरपि परित्यागेन एकेन पुरुषेण स अनुष्ठानम् स अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात्, अशक्य मतलब करने में समर्थ नहीं है। स्पष्ट हो गया ये भाष्य। इसलिए इनमें से जो श्रेय को चिंता है उसका जीवन तो साधु जीवन है, शिव रूप जीवन है, उसके जीवन में कल्याण है। और दूसरा यह तू अदूरदर्शी, देखो ये अभी तो दोबारा हो जाए, ये अदूरदर्शी क्यों कहा इसको, क्या नहीं देख पाता? हाँ नहीं नहीं, अदूरदर्शी शब्द की व्याख्या क्या हो भाई, ये है कौन अदूरदर्शी? हाँ प्रेयार्थी है, प्रेयार्थी परिस्थिति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता। प्रेयार्थी की जो दृष्टि है वो सिर्फ कहां तक जाएगी, सिर्फ परिस्थिति तक, परिस्थिति के आगे पीछे उसके गर्भ में क्या है वो देख ही नहीं सकता। तो जो चित्त आगे देख ही नहीं सकता परिस्थिति के आगे, परिस्थिति के अतिरिक्त उसको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा चित्त क्या कहलाएगा, अदूरदर्शी। आज बड़ी अच्छी परिस्थिति है, बहुत सुंदर है, अब कुछ मूर्ख, मूर्ख क्या कहें, इमेच्योर, उनको क्या लगता है कि ऐसा सदैव ही बना रहेगा? हाँ नहीं नहीं, यहां ये नहीं कह रहे भाई, और सरल कर लो ना, एकदम जीवन से जोड़ के रखो इसको। आज मेरे जीवन की परिस्थिति अत्यंत शोभन है, ठीक है, तो शारीरिक दृष्टि से भरपूर कंफर्ट है, ओहो, मानसिक दृष्टि से बड़ा सब कुछ मेरे पास में है। अब व्यक्ति की कमी यह है कि उसको ये समझता है कि ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं पता कि जैसे ही शरीर क्षीण होना प्रारंभ होगा 40 के बाद, उसको अपने शरीर की गति समझ में आने, तो आप तो 25 की 26 30 में सोच रहे थे ऐसे ही बना रहेगा, ये ऐसा ही बना रहेगा, ये अदूरदर्शी। मैं धन से परिपूर्ण हूं और सदैव ही रहोगे क्या, सदैव एक ही जैसा ग्राफ रहेगा, ये अदूरदर्शी। क्यों,
क्योंकि इसकी दृष्टि परिस्थिति के अतिरिक्त तो उसके अलावा कहीं देख ही नहीं पाती, तत्व तो उसको पता ही नहीं बन गया। इसलिए भाष्यकार इसको क्या बोलते हैं, यस्तु अदूरदर्शी। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दूरदर्शी को, विजनरी अप्रोच। ये जो व्यक्ति है ऐसे गुरुदेव के लिए क्या बोलते हैं, विजनरी अप्रोच। तुलसीदास जी का भी अप्रोच कैसा है, विजनरी अप्रोच, दूरदर्शिता है ना। इसी को कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जिसको सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है वो तो मूढ़ है, जिसको सूर्य के पीछे भी दिखाई देता है वो कवि है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में कवि की भाषा ही परिभाषा ही दी गई, क्रांतदर्शी। जो क्रांत फाड़ कर चीर कर वो देख लेता है जो सामान्य पुरुष नहीं देख पाता, तो ये कैसा है, उसका उल्टा है, अदूरदर्शी। भाष्यकार नाराज हैं और बोलते हैं विमूढ़ है, मूर्ख है ये, इसको सिर्फ यही समझ में आता है बस सब ऐसा ही बना रहेगा। और बोलते हैं इससे क्या चुत हीयते, ये तो गया, ये तो चित हो गया। विमुच्यते कस्मात, किस चीज से ये गिर गया। बोलते हैं अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिकात प्रयोजनात्। ये देखो ये इसका पतन हो गया। जो परम पुरुषार्थ जीवन का है, कैसा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब जो पुरुष का प्रयोजन है, पुरुष की जो नैसर्गिक इच्छा है, उस इच्छा को क्या बोलते हैं, अर्थ, उसी को बोलते हैं पुरुषार्थ। तो जो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस परम पुरुषार्थ से पारमार्थिकात प्रयोजनात जो नित्य है उससे ये क्या हो गया, प्रच्यवतः। ये किसकी व्याख्या कर रहा हूं, हीयते अर्थाय उ, जो मंत्र में मूल आया ना, हीयते अर्थाय, ये हीयते अर्थाय की व्याख्या है। वह तो तत्व की ओर जा ही नहीं पाता, तत्व की ओर देखने की फुर्सत भी नहीं है, तत्व नाम की कोई चीज भी होती है ये उसके मस्तिष्क में भी नहीं है, क्योंकि वो एक घेरे में क्या हो गया, बंधा रह गया सिर्फ परिस्थिति संभालने के चक्कर में। इति अर्थ को असौ, को असौ, बोले ये कौन है जिसको कि आपने अदूरदर्शी बोला, जिसको आपने विमूढ़ बोला, जिसको कि बोला कि वो परम पुरुषार्थ से च्युत हो गया, ये कौन है, को असौ। भाष्यकार बोलते हैं को असौ य प्रेयोवृणीते, ये कौन है, बोलते हैं ये प्रेय को चुनने वाला है। य प्रेयो वृणीते उपादत्त, उपादत्त मतलब जिसने इस प्रेय को क्या किया, चुना। स्पष्ट हो गया भाष्य पूरा, इसमें कुछ रह गया शेष। अब बहुत ही सुंदर दूसरे मंत्र से के पूर्व जोड़ने के लिए एक बहुत सुंदर भाष्य है। ये पहली पंक्ति देखिए, एक ये पंक्ति है, यद्यपि, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यद्यपि उभे कर्तुम स्वायत्ते, यद्यपि हालांकि जो पुरुष है कर्तुम स्वायत्ते दोनों को ही करने में स्वतंत्र है और समर्थ है। कौन दोनों को करने में, चाहे श्रेय ले ले चाहे प्रेय, दोनों को। ध्यान रखें यहां कोई प्रारब्ध कोई कृपा की बात नहीं है,
कोई प्रारब्ध मत लाना। मनुष्य को दोनों ही दिए गए, बन गया। अब ये प्रश्न पूछता है, यद्यपि अपि यद्यपि उभे, यदि उभे अपि, उभे मतलब क्या हो गया, दोनों, कौन दोनों, श्रेय और प्रिय। यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय एवादत्ते, यदि दोनों ही करने में वो स्वतंत्र है, कौन, पुरुष, तो क्यों बाहुल्येन लोक इति उच्यते, तो दुनिया के लोग सिर्फ प्रेय मार्ग को क्यों चुनते हैं। वाह, क्या प्रश्न है, देखो आप, जब आगे पता है कि गड्ढा है, श्रुति ने बता भी दिया है, फल भी बता दिया है, दोनों को पुरुष चुनने में क्या है, स्वतंत्र है, इसके बावजूद क्यों पुरुष स्वायत्ते किमर्थम प्रेय एव आदत्ते, मिल गया भाष्य, किमर्थम प्रेय एव आदत्ते, तो वह पुरुष प्रेय को क्यों चुनता है। यही नहीं, बाहुल्येन लोकैति उच्यते, पूरी दुनिया में देखा जाता है कि लोग इसी को क्या करते हैं, चुनते हैं, मिल गया। ये श्रुति कहती है, अच्छा मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देती हूं। देखो क्या उत्तर देती है, बहुत सुंदर उत्तर है, क्या है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, मिल गया। बोलते हैं श्रेय होवे या प्रेय, मनुष्यम, इधर सावधानी से संस्कृत तोड़ना, इतः, इतः मतलब इणगतौ, एक धातु है संस्कृत की, इसका मतलब होता है जाना, इणगतौ मतलब जाना। मनुष्य इनके पास नहीं जाता, सावधानी से, मनुष्य इनके पास नहीं जाता, ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं। ये संस्कृत को ध्यान से रखना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम इतः, ये दोनों लोग, कौन दोनों, श्रेय प्रेय, ये दोनों मनुष्य के जीवन में स्वयं आते हैं, खुद आते हैं, मनुष्य इनके पास चल के नहीं जाता, ठीक है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, अच्छा भाई, तो संपरीत्य, वाह, भाष्यकार बताएंगे, संपरीत्य मतलब होता है आर पार, एक व्यक्ति है जिसको महाराज आर पार देखता है, ओ सब चीजें बड़ी स्पष्ट उसको आंख से दिखने लगती है, तो संपरीत्य विविनक्ति, और वह दोनों को क्या करता है, अलग अलग कर देता है, ये है श्रेय ये है प्रेय, क्योंकि ये दोनों आए ना उसके पास में, कौन आया, श्रेय भी आया प्रेय भी आया, वो उसने कहा ये श्रेय है ये प्रेय है, ये श्रेय है ये प्रेय है। बोले महाराज ये है कौन जो ऐसा करता है, ये कठोपनिषद का बहुत ही प्रिय शब्द है जो अभी पहली बार बोल रहे हैं, धीरह, लगभग हर श्लोक में अभी ये शब्द आने वाला है, धीरह, स्पष्ट हो गया। ये कौन पुरुष है जो दोनों को अलग अलग कर देता है, आर पार देख लेता है, बोलते हैं उस पुरुष को धीर कहते हैं। अच्छा धीर मतलब, एक तो स्पष्ट है
धीमान जिसके पास, लेकिन ये इसका अर्थ या नहीं है भाई, जो प्रेय को भी चुन रहा है वो भी कैसा है, अपने क्षेत्र में तो धीमान है ही है, शारीरिक सुविधाओं को ला रहा है मेहनत करके, तो धीमान तो हो गई होगा, तो धीमान यहां अर्थ नहीं है। तो कालिदास की परिभाषा मैंने आपको दी होगी, विकार हेतु हो सती येषाम चेतांसी न विक्रियंते, न विक्रियंते चेतांसी। क्या परिभाषा दी गई, विकार हेतु हो सती न चेतांसी विक्रियंते, याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, बन गया। विकार के हेतु के उपस्थित होने पर पहले नहीं बाद में नहीं, विकार का हेतु उपस्थित होने पर येषाम चेतांसी, जिनका चित्त विक्रियमान नहीं होता, ऐसे पुरुष को धीर पुरुष की संज्ञा दी गई। परिभाषा स्पष्ट हो गई, कुछ धीर ऐसे होते हैं जो चला जाता है तब उनका धीर जागृत होता है, बोले ये तो गड्ढा था, यहां तो जाना चाहिए था, यहां तो नहीं जाना चाहिए था, ये मूर्ख देखो। अब जब सब कुछ हो गया उसके बाद बता रहा है क्या चीज, यहां जाना चाहिए यहां नहीं जाना चाहिए। धीर तो वो है जब विकार का हेतु उपस्थित था, बन गया। हेतु के चले जाने पर, हेतु के हट जाने पर विवेक जागृत हो, ये कोई विवेक ही नहीं। विकार का हेतु उपस्थित होने पर, अच्छा दूसरा, हेतु उपस्थित करने का कार्य मैंने नहीं किया, वो प्रकृति ने किया। ये विकार का जो हेतु है वो पुरुष ने नहीं, वो किसने किया, प्रकृति ने किया। लेकिन जैसे ही विकार का हेतु आया, वो पुरुष ने क्या किया, उसका चित्त विक्रियमान नहीं होता, वो शांत हो गया। हवा का झोंका आया और निकल गया, बन गया। एक व्यक्ति झोंका आया और उसी में क्या हो गया, वो फंस गया। देखो ये कालिदास की परिभाषा है, यहां इस धीर पुरुष की बात की जा रही है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, गीता में श्लोक था आपके, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, वो धीर पुरुष है जो विकार के हेतु के उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विक्रियमान नहीं होता है, वो है यहां पे ये, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतत् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, ये धीर पुरुष। हाँ माता जी, विचलित, पहले शांत था अब क्रिया होने लगी, हो गया, इसको बोलते हैं विक्रिया। शांत का उल्टा क्या हो गया, क्रिया, बन गया। तो अब उसके चित्त में वृत्तियां उठने लगी, ऐसा समझ लें, जो शांत भरा चित्त था अब वो शांत नहीं रह गया। स्पष्ट हो गया, जैसे कि समुद्र में आप पत्थर फेंक दो नदी में तो उसमें तरंगे आने लगी, ऐसे चित्त शांत है, लेकिन एक पत्थर बाहर का हेतु आया और उसने आपकी सब शांति को क्या कर लिया, भंग कर दिया। ये कौन है पुरुष यहां, ये दोनों ही उसके जीवन में आते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत
तौसं परित्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी आहा प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद् वृणीते। श्रेयो ही जो धीर पुरुष है वो तो किसको करता है, वो तो श्रेय को लेता है, लेकिन प्रेय कौन लेता है? बोले उसका कारण क्या है, प्रेयो मंदो आ पहला हेतु। श्रुति माता कहती, भाष्यकार नहीं कह रहे, श्रुति माता कहती, वेद कहता है कि प्रेय का वर्ण करने वाले जो लोग हैं उसका जो पहला कारण है उनकी बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि के लोग हैं। बन गया मंत्र में, मिल गया, प्रेयः मंदः, मंद बुद्धि के हैं। मंद बुद्धि मतलब क्या किया जाए तो आपको समझ में आता है, बुद्धि नहीं चलती, विविनति नहीं है, पृथकत्व की शक्ति नहीं है। जो आया तो गंगा, गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, कुछ हमारा कोई दृढ़ निश्चय नहीं। दूसरा हेतु श्रुति देती है, योग क्षेमात्, इनके चित्त में योग और क्षेम का इतना दबाव है, आहा योग और क्षेम का इतना प्रेशर है कि ये किसका वर्ण करते हैं? बोले ये प्रेय का वर्ण करते हैं। कितने हेतु दे दिए? दो। पहली तो इनकी बुद्धि ही क्या है, मंद है, मंद बुद्धि नाम, तो ये सिर्फ परिस्थिति में ट्रेवल करते हैं। और दूसरा योग क्षेमाद बोणी थे, इनको सदैव ही अतृप्ति रक्षण, ये मिल जाए तो ये मिल जाए, फिर मिल गया तो ये करो, ये इनके जीवन में योग क्षेम चलता ही रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रेय का मार्ग चुनता है। श्लोक ये पूरा हो गया, आपकी समझ में आ गया। दूसरा श्लोक, अब भाष्यकार इसको खोलते हैं। देखो क्या पहला शब्द बोलते हैं, सत्यम। अरे वाह, तुमने जो कहा वो सत्य कहा, मानो कि गुरु शिष्य बैठे हो। तो शिष्य ने ये बोला था, यदि उभे कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण, यद्यपि पुरुष दोनों को ही करने में क्या है, स्वतंत्र है, तो क्यों चुनता है, इस नाश के मार्ग पर क्यों जाता है ये? तो पहली बात तो गुरु कहते हैं सत्यम, तुमने जो एक बात कही वो तो सत्य कही, स्वायत्त सही ही कहा तुमने कि दोनों को पुरुष करने में क्या है, स्वतंत्र है, सही कहा तुमने। मिल गया ये भाष्य में शब्द सत्यम। जब किसी बात का अनुमोदन करना होता है तो क्या बोलते हैं, सत्यम, सत्य है। स्वायत्त, देखो स्वायत्त शब्द कहां आया था, मेरी तरफ मत देखो भाई, भाष्य में देखो कहां आया था स्वायत्त शब्द, तो अभी तो आपने पढ़ा ना, कर्तुम स्वायत्ते, यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण, यहां शब्द आया। भाष्यकार ने फिर से शब्द क्या लिखा, सत्यम स्वायत्ते। देखो एकदम बुद्धि ऐसी ट्रेंड हो जाए दोनों भाष्यों को मिलाने में, सत्यम स्वायत्ते, सही ही कहा तुमने दोनों को पुरुष चुनने में क्या है, तथापि, देखो तथापि, तो क्या तथापि, साधनतः फलतश्च, देखो ये समझने वाली चीज है, साधनतः फलतश्च मंद बुद्धि नाम
दुर्विवेक रूपे सती व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम पुरुषम आगता इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च। बोले ये दोनों मिक्स आते हैं किसके पास, पुरुष के पास। कौन कौन? श्रेय और प्रेय। देखो जी, तो साधनतः, देखो पहला शब्द ये देखिएगा, साधनतः। साधनतः का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों मिले हुए साधन के रूप में आते हैं। कौन? श्रेय और प्रेय। और ये समझ में नहीं आता कि ये श्रेय का है कि प्रेय का है। बोले बात नहीं समझ में आई। देखो भाई, प्रेय मार्ग में भी शारीरिक स्तर पर परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसमें? प्रेय में भी। तो वहां पर भी संयम रखना पड़ेगा, वहां पर भी तत्परता रखनी पड़ेगी, वहां पे भी श्रम करना पड़ेगा। कहां पर? प्रेय मार्ग में। और श्रेय में भी क्या करना पड़ेगा? संयम करना पड़ेगा, तत्परता करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें भी है। तो दोनों में ही साधनता एक जैसा दिखता है। किसमें? श्रेय में भी यही चीज है और प्रेय में भी यही चीज है। इसलिए वो जो मंद बुद्धि का व्यक्ति था वो कंफ्यूज्ड हो गया कि ये चीज श्रेय में भी दिखती है और यही चीज प्रेय में भी दिखती है। साधनतः फलतश्च, फल में दोनों कैसे हैं? प्रेय में भी व्यक्ति को सुख मिलता है और श्रेय में भी व्यक्ति को सुख मिलता है। कल मैं कह रहा था एक अवस्था का सुख है, एक तत्व का सुख है, और दोनों में अंतर है। जिसको हम तत्व का सुख समझ रहे हैं हम और आप, वो अवस्था का सुख है, वो सत्व गुण का परिणाम है, ना कि तत्व का परिणाम है। बोले ये आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो तत्व का परिणाम नहीं? आपको कैसे पता? यदि वह तत्व का परिणाम होगा तो साधन की अपेक्षा नहीं होगी। पहली बात, तत्व का परिणाम होगा तो उसमें नित्यता होगी। साधन से मिलने वाले सुख में साधन के प्रति पराधीनता का भाव होगा। भाई प्राणायाम करेंगे तो सुख मिलेगा, टहलेंगे तो सुख मिला, नहीं टहलोगे तो बोले नहीं मिलेगा। बोले हमने इतने साल टहला, बोले होगा बना। यह है ये क्रिया पे, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अच्छा तत्व का सुख क्या है? करो तो ठीक, न करो तो ठीक, वहां साधन की कोई अपेक्षा नहीं, कोई किंचित मात्र की अपेक्षा नहीं। इसको बोलते हैं तत्व का सुख। वो चाहे प्रवृत्ति में रहे चाहे वह निवृत्ति में रहे, उसको एक जैसा ही सुख मिलता रहता है। ये तत्व का सुख है। मन गया? तो ये कंफ्यूज क्यों हो गया? सत्यम स्वायते तथापि साधनतः फलतश्च मंद बुद्धिनाम। देखो कैसा है ये मंद बुद्धि, बुद्धि ज्यादा चलती नहीं इसकी, दुर्विवेक रूपी, हा विवेक नहीं, दुर्विवेक रूपे सती व्यामुष्यी भूते इव मनुष्यम पुरुषामता इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च। अधिकतर लोग क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि दोनों ये मिले जुले आते हैं। कौन कौन? श्रेय और साधनता और फलता। कैसे आए? साधन के रूप में आए और फल दोनों ही मिक्स हैं, इसलिए इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च दोनों ही आए। ये स्पष्ट हो गया? ये स्पष्ट हुआ? अच्छा, फिर तो बोले क्या करें? बोले करो ये कि धीर पुरुष बनो। क्या बनो? धीर पुरुष बनो। बोले धीर पुरुष बने मतलब क्या? भाष्यकार क्या कहते हैं? अतः हंस इव अंबस, वाह हंस बन जाओ, परम हंस बन जाओ भाई। इसीलिए साधुओं की जो हम लोगों का जो संन्यास है वो कैसा संन्यास है? परमहंसी। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे जो ज्ञान चित्त में रहकर जो कर्मकांड की बहुत ज्यादा उसमें नहीं पड़ता, तो जिस परंपरा में हम लोग हैं वो संन्यास कैसा है? परमहंसी संन्यास। अच्छा, एक दंडी संन्यास होता है। वो दंडी संन्यास क्या होता है? दंड लेकर ही चलेगा, दंड का तर्पण भी करेगा, एक कुटी चक्र होता है। बहुत सारे संन्यास हैं, संन्यास के भी प्रकार हैं कई। तो एक परमहंसी संन्यास होता है, वो ज्ञान मार्गी संन्यासी जाता है। तो क्या बनो? भाष्यकार क्या बोलते हैं? हंस बनो। बोले हंस क्या करता है? बोलते हैं निरक्षीर विवेक। निरक्षीर विवेक मतलब दूध दूध अलग कर दिया और पानी पानी अलग कर दिया। तो बोले ऐसे ही धीर पुरुष बनो, श्रेय श्रेय अलग कर दो और प्रेय प्रेय अलग कर दो। बन गया? भाष्यकार क्या लिखते? अतः अतः हंस इव अंबस पय तौ श्रेय प्रेय पदार्थो संपरीत्य। जैसे हंस दोनों चीजों को अलग कर देता है, उसी तरीके से तौ श्रेय प्रेय पदार्थो संपरीत्य। भाष्य देखना, श्रुति का शब्द था संपरीत्य। भाष्यकार ने उसका सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य, वो इनको मन से देखता है। मनसा आलोच्य गुरु लाघवम। देखो गुरु लाघवम मतलब, गुरु लाघवम मतलब कौन श्रेष्ठ है, गुरु मतलब कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। गुरु लाघवम मतलब, यहां गुरु तत्व मत ले लेना, गुरु मतलब भारी श्रेष्ठ, इसलिए बोला जाता है। तो कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा लाघव है, कौन सी छोटी? विविनक्ति पृथक करोति धीरह धीमान। जो ऐसा करता है उसको क्या बोलते हैं? धीरह धीमान। स्पष्ट हो गया? विविच्य च श्रेयः हि श्रेयः एवाभिव्रणीते। ऐसा करके वो श्रेय का तो वर्ण करता है, प्रेयसा अभ्यहित तत्वात्, और प्रेय को क्या करता है? छोड़ देता है। को असौ धीरः, मिल गया? कौन ऐसा करता है? बोले ऐसा प्रश्न, हिंदी देख लीजिए, ऐसा यस्तु मंद अल्प बुद्धि, जो अल्प बुद्धि वाला है। इसके विपरीत कौन है? जो विवेक शक्ति वाला व्यक्ति है, वो तो प्रेय का वरण न करके किसका वरण करता है? श्रेय। और जो अल्प बुद्धि वाला है वो किसका वरण करता है? और फिर एक दूसरा हेतु दिया है, सह विवेक असामर्थ्यात्। एक तो वो विवेक नहीं कर पाता, दूसरा योग क्षेमाग्निमित्तम शरीर उपचय रक्षण निमित्तम, ये इसकी बात कल और भी करेंगे। वो ज्यादातर उसकी बुद्धि किसमें फंसी हुई है? योग और क्षेम, योग और क्षेम। तो जिसकी बुद्धि योग क्षेम में फंसी हुई है वो तो इसका चुनाव नहीं कर सकता। बन गया? कल इसके बारे में और
कौन सा अध्याय? नौवां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वा अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा